नमस्कार, जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका स्वागत है। और राजभवन के समीप स्टैन स्वामी, जी हाँ, स्टैन स्वामी एक ऐसा नाम है जिन्होंने 30 सालों तक झारखंड के ट्राइबल पीपल के लिए संघर्ष किया। आज उनकी पुण्यतिथि है, क्या कुछ इनके समर्थक यहाँ पे जमा है और उनकी पुण्यतिथि पर कुछ विशेष संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले बता रही स्टैन स्वामी, थोड़ा दर्शकों को बताइए कौन थे वो और क्या उनका मकसद था और आज यहाँ पर आप लोग क्यों? भारत देश के अंदर में एक से एक अच्छे अच्छे समाज सेवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता से भी बढ़कर के कहिए कि पूरा देश के प्रति, समाज के प्रति जो अपने जीवन को पूरा सेवा के लिए निछावर कर दिए, उन्हीं में से एक थे फादर स्टैन स्वामी। तमिलनाडु के रहने वाले थे और वो भाषा से तमिल और इंग्लिश जानते थे, लेकिन फिर भी झारखंड की धरती में आकर के उन्होंने जो सेवा का काम किया, मानवाधिकार के रूप में काम किए, तो वो सारा काम आज जो पूरे झारखंड के जनता के बीच में जो किए हैं, तो आज पूरे झारखंड की जनता उनको आज भी याद करती है। और जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा जो UPA कानून बनाया गया, काला कानून, जिसके तहत उनको झूठा मुकदमा में फंसा करके और जिस तरह से NI के लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करने के बाद उनकी नृशंस एक तरह से साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गया। 84 साल 85 साल के वृद्ध को जो अभी सरकार कहती है कि बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई, तो आप समझ लीजिए कि उसको जब कस्टडी में लिया, उन लोगों को मालूम नहीं था कि बीमार व्यक्ति को हम कस्टडी में ले रहे हैं, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि उसको जुडिशियल का IAS ऑफिसर पूजा सिंघल जब गिरफ्तार होती है तो डॉक्टर रिम्स क्या था उनका, एक सिर्फ एक पल्स रेट चेक करने के लिए, जो मानव अधिकार के लिए अपनी पूरी जीवन दे दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, उनका प्रे किया गया, न्यायालय में भी प्रे किया गया कि उनको उनका तबियत खराब है, उनको कम से कम पानी पीने नहीं सकते हैं, तो पानी की व्यवस्था कराइए। सोच लीजिए कि कितना मानवता को शर्मसार करने वाला कि उनको पानी भी पीने का व्यवस्था नहीं किया गया था। एक साजिश के तहत पूरे सरकारी तंत्र के लोगों ने उनका एक तरह से हत्या किया है, इसलिए जिन लोगों ने इसको गिरफ्तारी से लेकर के सारे कांड में शामिल है, उन सारे लोगों के ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं किया। आज हम लोग झारखंड की जनता, हम लोग इसको कभी फादर स्टैन स्वामी के जो कार्य है उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। आज उनके पुण्यतिथि में हम लोग पूरा हजारों लोग आज राजभवन के समक्ष में आए हैं और कह रहे हैं कि फादर स्टैन स्वामी को न्याय दिलाना है और न्याय तब मिलेगा जब उसमें साजिश षड्यंत्र में शामिल लोगों का सजा हो। देखिए, ये कह रहे हैं न्याय दिलाने की बातें करें, हमारे साथ एक और सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के लिए पूरी जिंदगी न्यूछावर कर दिया स्टैन स्वामी में, लेकिन अंतिम समय में बहुत नाइंसाफी हो गई उनके साथ? बिल्कुल लग रहा है, तो क्या करेंगे आप बताइए। मानवाधिकार के काम करने वाले जितने भी सही व्यक्ति है, जो संविधान के अनुसार, सारे कानून के अनुसार शांतिपूर्वक गरीब दबे कुचले लोगों को मदद करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर UAPA लगाना सच है कि नहीं, सही है कि नहीं, क्या है आप क्या सोचते हैं? ये तो बहुत ही गलत है, तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि जितने भी लोग जेल में हैं, भीमा कोरेगांव के अंतर्गत अरेस्ट किए गए हैं, उनके इतिहास, उनके काम को देख लीजिए आप, ये प्रमाण है कि वो पूरे जीवन उनका वो दूसरों के भलाई के लिए, न्याय की लड़ाई में, अधिकार की लड़ाई में और सारे देश के प्रगति के लिए काम उनका जीवन निचावर कर दिया है, उनका जीवन समर्पित किया है, तो उनके ऊपर ये इस तरह का ये आतंकवादियों को के ऊपर लगाने वाला कानून को लगाना बिल्कुल, तो हम बोल रहे हैं कि आप जो प्रश्न पूछे थे ये उनके जीवन के अंतिम क्षण में उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ है और ये सरकार जो बैठी है वो अपने आप में डरे हुए हैं, इसलिए उनके गलत काम के खिलाफ जो भी बोलते हैं उनको अंदर कर देती है। बस ये स्टैन स्वामी ने झारखंड को ही क्यों चुना ट्राइबल पीपल को, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? चाहते तो और भी राज्य को वो चुन सकते थे, अपना लाइफ हाईली एजुकेटेड, अपना लाइफ को और बेहतर बना सकते थे वो, लेकिन उन्होंने गरीबों पे ज्यादा अपना ये समय दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अपने सबको अपने अपने लाइफ को बेहतर बनाने में तुले हैं, सबको अपने अपने जीवन, निजी जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुले हैं, वैसे में दुनिया, समाज कैसे आगे बढ़ेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात?
तो फादर ने देखा कि लोगों की समस्या को, जो गरीब लोग हैं जिनके ऊपर शोषण सतियों से चल रही है, उनके लिए वो खुद नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, तो वो समर्पित किए उनके जीवन से, सरल जीवन से। आदिवासियों के अधिकार इतने संवैधानिक अधिकार है, इतने अलग और भी कानून है, वो सब का उल्लंघन कर रहा है, तो उनको डिफेंड करना उनका दौत्य माना उन्होंने, वही हुआ। तो आपने देखा कि साफ तौर पर भाकपा माले के लोग जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि स्टैन स्वामी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो झारखंड के ट्राइबल पीपल के लिए दे दी, हाईली एजुकेटेड थे, चाहते तो बहुत अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, लेकिन इस समाज सोसाइटी और ये सरकार ने उन्हें लास्ट में क्या दी, तो एक दर्दनाक मौत, ये इनका कहना है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ। मैं शिखा श्रेय अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।